हेलो फूडीज, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की रेसिपी है बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी लौकी की सब्जी। लौकी को बॉटल गार्ड, दूधी और घिया भी कहा जाता है। यदि आपको लौकी की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से बनाइए, आप श्योरली खाना शुरू कर देंगे। लौकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। लौकी की आप सब्जी बना के खा सकते हैं या फिर लौकी यानी दूधी का हलवा बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। ऐसी लौकी की शानदार सब्जी आपको बनानी है तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें ऐड कीजिए 1/4 कप ऑयल, ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून स्लाइस्ड गार्लिक और 3-4 स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज और इसे गोल्डन फ्राई कीजिए। मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और बीच बीच में इसे हिलाते चलाते रहिएगा ताकि ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो जाए, कुछ इस तरह से। ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। और इस वक्त आँच धीमी रखेंगे और हिलाते चलाते रहेंगे और हल्का सा इसे भून लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप्ड टमाटोस और इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी आँच बढ़ा लेंगे और इसे ढक कर पकाएंगे। टमाटर को पकाते वक्त हम बीच बीच में चेक कर लेंगे, अभी टमाटर उतने अच्छे से नहीं पके हैं, थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। कभी भी आप इस टाइप की सब्जी बनाते हैं तो आप टमाटर को बारीक कट करके ही डालिएगा और इसकी प्यूरी बना के मत डालिएगा, नहीं तो सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं आएगा। देखिए अब टमाटर पक चुका है, मैं इसे मैश कर लेती हूँ। मैश कुछ ऐसे करेंगे कि ये प्यूरी के फॉर्म में आ जाए, थोड़े थोड़े पीसेस भी रहें और प्यूरी भी बन जाए, तो बहुत ही अच्छा भुना मसाला देखिए तैयार है। 400 ग्राम डाइस्ड लौकी और जो लौकी के साइज़ हैं वो थोड़े बड़े रखे हैं मैंने, क्योंकि हम इसे कुकर में पका रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी पकेगा और बहुत ही अच्छा पकेगा। और यदि बहुत बारीक काटते हैं तो थोड़ा मेसी हो जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा काटिए। ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। वैसे भी लौकी बहुत ही वाटरी होती है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, इसलिए पानी मैंने बहुत ही थोड़ा डाला है। यदि आपको ज़्यादा रसीली बनानी है तो ज़्यादा पानी डालिए। अब इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 3 विसल्स आने तक और सिमर पर सिर्फ 7 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे। देखिए सब्जी तैयार है, लीजिए लौकी की सब्जी तैयार है। बहुत ही जेंटली इसे मिक्स करना है और गार्निश कर लेना है इसे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से। ऐसी शानदार लौकी की सब्जी आप खाइए पूरी के साथ, फुलके के साथ, पराठे के साथ, इवन स्टीम्ड राइस के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको ये लौकी की सब्जी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही कुछ मैं इजी और हेल्दी रेसिपी का आइडिया आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।